आई रियली होप कि आप सारे लोग अपने घर पे ही होंगे, सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और साथ के साथ अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे. ओके गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक नोट्स लाइक अ प्रो. अब यहाँ पे हम कौन से वाले नोट्स की बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नोट्स जो आप क्लास में बैठ के लेते हो. हमें लगता है कि नोट्स लेना ना बहुत आसान सी चीज़ है, कॉपी उठा के बैठो, पेन उठा के बैठो और लिखते चलो. लेकिन ऐसा नहीं होता. ये जितना इजी हमें लगता है उतना इजी नहीं है. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता तो आप ना कभी एफिशिएंटली नोट्स नहीं ले पाओगे. एंड एफिशिएंट नोट्स आर अ की टू सक्सेस इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो ओके गाइज, अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे वी हैव टू डू सर्टेन टॉपिक. सबसे पहला तो है व्हाई टू टेक नोट्स. अगर हमें नोट्स लेने हैं तो वो क्यों लेने हैं, द नोट टेकिंग माइंडसेट, डिफरेंस बिटवीन गुड नोट्स एंड बैड नोट्स एंड हाउ टू टेक इट. ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कि हमें अगर नोट्स बनाने हैं तो बनाने क्यों हैं. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट. अगर मैं आपको बोलूं क्लास में बैठ के कि देखिए आप बैठे हुए हैं, आपको बैठ के अपने नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ, तो आप ना हमेशा जो आपको बोला जा रहा होगा टॉपिक उसको ध्यान से सुनोगे, उसको समझोगे और उसके बाद लिखोगे. लेकिन अगर लेट्स से कि आप कोई कॉपी पेन कुछ नहीं लेके बैठे हुए ना, तो दो मिनट आप क्लास में होंगे और चार पाँच मिनट के बाद आपका ध्यान कहीं और होगा कि हम गोवा घूम रहे हैं, मनाली घूम रहे हैं, है ना. तो ऐसा करने से अगर हमें बचना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा हमें नोट्स बनाने ही चाहिए. ठीक है, देन इट हेल्प्स टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव रेड और लिसन टू. देखिए, मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताती हूँ. इट इज़ अ फैक्ट कि अगर आपको मैं कोई चीज़ अभी ओरली बताऊंगी ना, आपको वो चीज़ एक दिन याद रहेगी, दो दिन याद रहेगी, बट तीन से चार दिन के बाद में इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आप 70-80% इंफॉर्मेशन भूल जाते हो. इज़न दैट क्रेजी, राइट? इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हम भूल जाते हैं तो देखो, कहीं भी अगर आप बैठे हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर आप उसमें से 80% भूल रहे हो तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपने एग्जाम में इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे. उस चीज से बचने के लिए आपको नोट्स अपने बनाने ही चाहिए, ताकि जो भी आपने सुना है, जो भी आपने अपनी बुक में पढ़ा है, उसका आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाए और उसकी मदद से आप अपने एग्जाम के लिए प्रॉपरली तैयारी कर पाए. ठीक है, अगला देखिए, इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स. ऑब्वियसली अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग स्किल आते हैं. आपको पता लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पहले लिखनी है, कौन सी हमें बाद में लिखनी है. ठीक है, हमें उसमें ये चीज़ का भी पता लगता है कि अगर हमें कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसको हमें रखना है और नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमें एलिमिनेट कैसे करना है. ठीक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्किल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, जो हमारे रूटीन लाइफ में भी काम आती है. देन इट बूस्ट्स रिटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज. देखो, एक तो ना रिटेंशन हमारी बूस्ट होती है कि हमें चीजें याद रहती हैं. अगर आपको बचपन में याद हो, जब आप छोटे थे, आपको टीचर्स क्या बोलती थी कि देखो बेटा, जो भी आप पढ़ते हो उसको लिखो, क्योंकि लिखने से इट इज प्रूवन कि चीजें आपके माइंड में बैठती हैं. लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं लिखते हो तो आप हमेशा भूल जाते हो. देन इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज. मान लो कि आप किसी की थ्योरी लिख रहे हो, ठीक है, आप उसमें उसके एडवांटेजेस लिख रहे हो. जब आपने दो एडवांटेजेस लिख लिए तो बाय द एंड ऑफ थर्ड वन ना आपका अपना दिमाग चलने लग जाएगा, आपको खुद को समझ आने लग जाएगा कि कौन सी चीज फायदेमंद और हो सकती है. अरे, इसमें ये पॉइंट भी आ सकता है, इसमें ये पॉइंट भी आ सकता है. मतलब इससे क्या होता है कि आप उस टॉपिक में प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाते हो और उससे आपको एक तो वो बेटर याद रहता है, आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन यू ऑल्सो डेवलप न्यू आइडियाज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम, फॉर क्लियरिंग एनी क्वेश्चन इन योर ओन माइंड. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया है कि हमें नोट्स क्यों बनाने हैं. गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लाइटली कभी नहीं लेंगे. इनफैक्ट अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि उसके भी हम नोट्स साथ साथ बनाते जाएं. ठीक है, चलिए देखिए,
नाउ वी हैव टू डिस्कस द नोट टेकिंग माइंडसेट. ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कहीं पे भी पढ़ने जाते हो, क्लास लगाने जाते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने साथ लेकर जानी है वो है आपका कॉन्शियस ब्रेन. ठीक है, पॉइंट ये है कि कई बार ना नोट्स बनाने के लिए हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है, ठीक है, अब जैसे मैं भी पहले थी, मुझे भी लगता था कि यार नोट्स बनाने में कुछ नहीं है, मेहनत ही ज़्यादा लगती है, एफर्ट ही ज़्यादा लगते हैं, बेटर है याद रख लो, नहीं नहीं मुझे तो याद रह जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वन थिंग यू शुड गेट इन ऑर्डर इज योर ब्रेन व्हेन यू आर इन अ गुड मूड और व्हेन यू आर इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. यू ऑलवेज रिमेंबर न्यू थिंग्स, न्यू स्टफ. अगर आपका कभी मूड अच्छा है, खुद सोच के देख लो, अपने ना एग्जाम्पल खुद की लाइफ पे याद करके देखो कि अगर तो आपका कभी मूड अच्छा है तो आपको चीजें समझ ज्यादा आएंगी, आपका वहां बैठने में मन लगेगा, आप एंजॉय करोगे लर्निंग प्रोसेस को. लेकिन लेट्स से कि आपका मन थोड़ा खराब है, आप घर पे आपका झगड़ा हो गया, आपके फ्रेंड्स से आपका झगड़ा हो गया और आपका मूड बहुत ही खराब है, तो आप ना क्लास में आराम से बैठ ही नहीं पाओगे, आपको बैठे बैठे गुस्सा आता रहेगा. आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो वही उसी पॉइंट पे जाता रहेगा जहां से आप ऑलरेडी निकल आए हो. ठीक है, तो सबसे पहली आपको चीज याद रखनी है कि अगर हमें क्लास में कॉन्सेंट्रेट करना है, इफ वी वॉन्ट टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स मोर थरली, मोर डीपली, तो उसके लिए ना सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एक अच्छा मूड चाहिए हमेशा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड. देखो ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है कि हमारा हमेशा ही बहुत अच्छा मूड हो, लेकिन हाँ ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वी कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज मेंटेन. अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको वो जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ आएगा एंड यू कैन डू इट वेरी नाइसली. ठीक है, अच्छा देन इट इज़ अ क्विक टिप, आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ. अगर क्लास में कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टीचर 2-3 बार से ज़्यादा बताता है या अल्टरनेट क्लासेस में वो जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार आता रहता है, उस चीज़ को सर्कल करो, अंडरलाइन करो, स्टार करो, कहीं पे मतलब बोल्ड करके लिख लो. क्योंकि अगर कोई भी टीचर आपको एक ही कॉन्सेप्ट बार बार बता रहा है, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहा है, विच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग क्लासेस, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ठीक है, चलिए गाइज अब हम डिस्कस करेंगे गुड नोट्स एंड बैड नोट्स. आई होप कि आप लोगों को ये दो इमेजेस दिख रही होंगी. फटाफट से टेक अ ग्लांस, देखिए कि आपको इन दोनों में से बेटर कौन से नोट्स लग रहे हैं और बुरे वाले कौन से लग रहे हैं. मतलब कौन से नोट्स ऐसे हैं कि जिनको पढ़ के आपको चीजें एक बार में याद रह जाएंगी और किनको आपको देखने का भी मन नहीं करेगा. ये वाले ऐसे हैं. देखो अब हम इसमें देखते हैं कि गड़बड़ क्या क्या है. एक तो कटिंग बहुत ज्यादा हमें दिख रही है ना. देन आपकी जो राइटिंग है वो बहुत मिक्स हुई है. अगर आपने करेक्शंस करी हैं बीच बीच में करी हैं, है ना, आपने स्क्रिबल साइड पे कर रखा है, अब यहाँ पे कुछ काटा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसे बस एक नॉर्मल स्क्रिबलिंग कर रखी है. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप इन नोट्स को एक बार बना भी लोगे, मेहनत कर भी लोगे, अगली बार आपका खुद का मन नहीं करेगा कि उनको उठा के पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने लगोगे समझ कुछ आना नहीं है, है ना. वहां पर इफ वी टॉक अबाउट दिस टाइप, तो देखिए क्या है, एक तो आपको पॉइंटर्स बना रखे हैं, है ना, फिर सब टॉपिक्स में आपको चीजें डिवाइड कर रखी हैं इन अ वेरी क्लीन हैंड राइटिंग, देन आपको हायरार्की यहाँ पे शो कर रखी है, राइट. अच्छा उसके बाद में मतलब आप देखो ना, आपको एक देख के चीज पता लगेगी कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा मिक्सअप नहीं हो रखी, कोई भी चीज बहुत ज्यादा भर नहीं रखी है यहाँ पर, ये नोट्स बहुत क्लीन है कि कोई भी अगर इनको एक भी बार पढ़ेगा उसी को ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, तो गुड नोट्स एंड बैड नोट्स देखो देख के पता लग जाते हैं. आप अभी क्या करेंगे, अभी आप देख के ये देखेंगे कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और आप क्या क्या गलतियां करते हैं, ठीक है, जिस वजह से आपका मन ही नहीं करता नोट्स बनाने का. नेक्स्ट देखो, एक है टाइप ये, एक है टाइप वो, विच वन डू यू फील इज बेटर. यहाँ पे हम देखें तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, द राइटिंग इज नॉट वेरी क्लियर. ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे इन पे थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ गुड पेन. यहाँ पर दे हैव यूज्ड विच पेन, दे हैव यूज्ड अ फाउंटेन पेन, तो देखो कहीं पर आपकी इंक लीक कर रही है, कहीं पे आपकी राइटिंग प्रॉपर नहीं है. ठीक है, और देखने में ना सब कुछ बहुत मिक्सअप सा लग रहा है. नंबर टू,
ये है एक पैराग्राफ, और अगर ना ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आप कभी भी एक पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं, आपको कभी याद नहीं रहने वाले वो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पॉइंटर्स होने चाहिए, ठीक है? नंबर वन, यू नीड टू हैव सर्टेन पॉइंटर्स. नंबर टू, देखो इसमें यहाँ पे क्या कर रखा है, अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर रखा है. अब आपने ये नहीं सोचना कि ये पता नहीं कैसे चार चार पेन का यूज करके नोट बना लेते हैं, हमसे तो बनते नहीं है, हमारे पास तो इतना टाइम होता नहीं है, है ना, कि हम इतने इतने पेन को यूज करें, नोट्स बनाते रहें. टाइम वेस्टेज नहीं है वो, आप एक कॉन्सेप्ट थरली स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड गाइस, ये वाला जो एक पेज है ना, ये एक यूपीएससी टॉपर का अपने नोट्स का पेज है, तो आप लगा के चलो कि अगर कोई एक यूपीएससी टॉपर नोट्स बना रहा है तो व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट यू हैव टू डू इट. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि आपकी एक हायरार्की, आपकी सेंटेंसेस में एक हायरार्की दिखनी चाहिए, ठीक है जी? ओके, सो नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स, हाउ डू वी हैव टू टेक नोट्स? देखिए सबसे पहला तो ये है कि यू हैव टू रीड फर्स्ट एंड टेक नोट्स लेटर ऑन, ठीक है? स्टार्टिंग में ही अगर आप मान लो एक बुक उठा के बैठे हो, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने आपने नहीं लग जाना, व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपने सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है? पहले पूरी बुक खत्म कर दो, रीड योर होल बुक, रीड योर होल चैप्टर. बुक नहीं पढ़नी, चैप्टर पढ़ लो पूरा का पूरा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको हाईलाइट कर लो. वंस यू गेट एन आइडिया ऑफ योर होल चैप्टर, फिर आप बनाने जाओ अपने नोट्स, क्योंकि उस टाइम तक आपको पता लग जाएगा कि पहले कौन सी चीज हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, और आप उसके अकॉर्डिंगली एक हायरार्की, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, है ना? देन आप पॉइंट्स बेटर समझ सकते हो, आप खुद याद करके लिख सकते हो, आप न्यू जनरेशन कर सकते हो आइडियाज की, ठीक है? न्यू जनरेशन ऑफ आइडियाज, यू कैन ऑल्सो डू दैट. देन ऑलवेज मेक बुलेट पॉइंट्स. गाइज, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनाफ, ये आपके साथ भी होता होगा कि अगर आप कहीं पे बहुत लंबा चौड़ा सा पैराग्राफ देखोगे ना, आप उसको कभी नहीं पढ़ते. एग्जाम में मैक्सिमम लोग क्या करके जाते हैं, पॉइंट्स पढ़ जाते हैं कि कंटेंट तो हम खुद ही बना लेंगे. तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पैराग्राफ अगर आप लिखोगे तो आप उस चीज़ को नहीं याद रखने वाले हो, ना वो आपको याद रहेगा. हमेशा हमें क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, छोटे 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 पॉइंट्स बनाते जाओ. जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि 100-200 पॉइंट्स बना दो एक ही चैप्टर के, इस तरीके से लिखो, समराइज फॉर्म में लिखो कि आपको चीज़ें रिटेन रहें, ठीक है? ऐसा ना हो कि हम पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं, बाद में हमारा खुद का मन नहीं कर रहा उसको पढ़ने का. बुलेट पॉइंट्स, ठीक है? देन यू हैव टू रीड फर्स्ट एंड टेक नोट्स लेटर. इस पॉइंट को हम थोड़ा ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं कि पहले रीडिंग करेंगे, बाद में नोट्स बनाएंगे, इकट्ठा काम साथ साथ हमने नहीं करना, हमेशा फंस जाओगे उसमें, ठीक है? ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बता दिया. चलो यहां देखो, डिजिटलाइज द होल प्रोसेस. अब देखो ये जो टेक्निक है ना, आजकल हमें क्या लगता है कि नोट्स बनाना बहुत टाइम लगने वाली बात है, इतनी देर में तो मैं कोई और चैप्टर पढ़ लूँगा, इतनी देर में मैं क्वांट पढ़ लूँगा, इंग्लिश, जीके, कुछ भी पढ़ सकता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, यू हैव टू डिजिटलाइज द प्रोसेस, ठीक है? अगर देखो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आपके पास, सबके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके ऊपर नोट्स बनाओ. आप गूगल से इंफॉर्मेशन निकालो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ट्राई टू मेक द बेस्ट नोट्स दैट यू कैन. जितनी बेटर से बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है निकालो. अगर किसी ने आपसे एडवांटेजेस पूछ लिए कि इस चीज़ के एडवांटेजेस क्या होते हैं, चार वेबसाइट सर्च कर लो, ठीक है? अलग अलग सोर्सेज पे जाओ, जहाँ पे हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से उठाओ, कॉपी करो, अपने नोट्स में पेस्ट करो. देखो इससे क्या होगा, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा. कई लोगों को लिखने की हैबिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो उसमें ना आप एक तो डिजिटलाइज कर सकते हो. नंबर टू, अगर फ्यूचर में आपको कहीं लगता है कि कहीं पे आपकी ऑल्टरेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, कहीं पे आप चेंजेस करना चाहते हो, ऑल्टरेशंस करना चाहते हो, तो उस केस में ना आपको कांटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी. आप सीधा क्या करो, न्यू इन्फॉर्मेशन उठाओ, पुराने की जगह पे कर दो या एडिशन कर दो, ठीक है? तो देखो ये जो नोट टेकिंग का प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा. इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव इन नेचर. जो टेक्निक आपको सही लगती है उसको करो, लेकिन गाइस इस चीज़ को मान लो कि नोट्स बनाना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर एनी एग्जाम. देन
डोंट कीप्स द नोट टू लेंदी, लेंदी होंगे आप खुद नहीं पढ़ोगे, ठीक है? तो दिस पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, शॉर्ट करो हमेशा नोट्स को, समराइज्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है जी? ओके, देन नाउ दिस पॉइंट, यूज लूज शीट्स इंस्टेड ऑफ अ रजिस्टर एंड कीप अपडेटिंग योर नोट्स. अगर आप मानते हो कि डिजिटल एरिया आपके लिए नहीं है, आपसे नहीं होता लैपटॉप पे काम, फोन पे काम, तो कोई बात नहीं, पेपर पे काम करो. लेकिन ना, रजिस्टर में काम करने से बेटर है लूज शीट्स पे करो. लूज शीट्स जो A4 साइज होती हैं, देखो उसकी मदद से क्या होगा, अगर आपको कभी चेंज करना पड़े, कुछ ऑल्टर करना पड़े, है ना, या कोई इन्फॉर्मेशन आप पहले लिख लो, आगे जब आप फर्दर डीपली स्टडी करो, आपको पता लगे कि वो चीज़ तो मैंने गलत लिखी, तो आपको पेजेस फाड़ने ना पड़े, आपको काटने ना पड़े, आप सिंपली वो A4 शीट हटाओ, उसकी जगह दूसरी लगा दो, ठीक है? तो यू कैन ऑलवेज यूज लूज शीट्स इंस्टेड ऑफ अ रजिस्टर. लास्ट में देखिए क्या करना है हमें, यू हैव टू यूज फ्लो चार्ट्स और हायरार्की चार्ट्स. देखिए ये चीज़ भी प्रूवन है कि हमें ना टेक्स्ट याद नहीं रहता, हमें क्या याद रहते हैं, डायग्राम्स. हमें क्या याद रखते हैं, विजुअल्स. जितना आप ज़्यादा अपने कंटेंट को विजुअल बनाओगे, उतना बेटर आपको याद रहेगा. अगर लेट्स से कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में कुछ ईयर्स हैं, उनको लिखो ना, 1807 में क्या हुआ, 1895 में क्या हुआ, उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ. उससे क्या होगा कि आपको साल याद भी रह जाएंगे और उसकी मदद से आपको बेटर रिटेंशन होगी और आप प्रॉपरली एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे. ट्राई करें जितना ज़्यादा विजुअल रख सके उतना ज़्यादा ही हम विजुअल रखें. एंड देन इन द लास्ट गाइज, यू कैन ऑलवेज डिवाइड द टास्क. अगर आपको लग रहा है कि जो आपके नोट्स हैं वो बहुत लेंदी बनते जा रहे हैं, इतने लेंदी, पता नहीं आप कैसे करोगे, पूरी बुक बची हुई है, हर एक चैप्टर बचा हुआ है, हाउ यू हैव टू डू इट, डोंट वरी. अपने फ्रेंड्स का ग्रुप इकट्ठा करो, चैप्टर्स डिवाइड कर लो. अगर चैप्टर एक ही आप कर रहे हो तो टॉपिक्स डिवाइड कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद में नोट्स सारे कंपाइल करो और शेयर कर लो. क्योंकि देखो ये तो हमें पता ही है ना, शेयरिंग इज केयरिंग. तो आपको ध्यान रखना है दैट इफ़ यू फील कि बहुत लेंदी काम हो रहा है, आपसे नहीं होगा, always always rely on your friends, उनको साथ में मिलाओ करो. क्योंकि देखो साथ में मिलेंगे ना तभी we all will grow. Life is not only a competition, it's a journey, ठीक है? You have to live it. And that is it with our lesson guys. I hope कि आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को अच्छा लगा. Make sure that you have to like the video, ठीक है? Channel को subscribe नहीं किया हुआ, subscribe करें. And I will see you all next time. Till then, goodbye and thank you everybody.